और अब बात पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की करते हैं, जिन्होंने कोलकाता में रोड पर नमाज के बाद एक जनसभा को संबोधित किया। सबसे पहले ममता बनर्जी ने प्रदेशवासियों को ईद की बधाई दी और कहा, हम बंगाल में शांति चाहते हैं, ना हम दंगे चाहते हैं, ना ही देश में बंटवारा। अगर हम लोकतंत्र की रक्षा करने में विफल रहे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस दौरान ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए बीजेपी पर भी निशाना साधा और कहा, कुछ लोग देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, नफरत की राजनीति कर रहे हैं, मैं अपनी जान देने को तैयार हूं, लेकिन देश का बंटवारा नहीं होने दूंगी। इस दौरान उन्होंने लोगों से एकजुट होने और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने की अपील की है। मैं आप लोगों को, आप लोग सबाई की ईद मुबारक जाना चाहिए। शुभ ईद मुबारक। अबे हो रहा तो हो रहा है तो आप लोगों को शुभ ईद मुबारक। आपका परिवार को, आपका परिजन को, आपको दोस्त को और हर विश्व को, हर आदमी को, हमारा बंगाल से विश्व का शांति चाहिए। हम दंगा नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं, हम देश को टुकड़ा करने नहीं चाहते हैं। जो लोग देश को टुकड़ा करने चाहते हैं, आज ईद का दिन हम वादा करते हैं, हम जिंदगी भी देने के लिए तैयार है, लेकिन देश को टुकड़ा करने हम तैयार नहीं है। अगर भरोसा है तेला ही भरोसा है, तो हमका भरोसा है अल्लाह ताला आप लोगों को दुआ कबूल करे, आप लोगों को इमरत इफ्तार कबूल करे और आप लोगों को प्यार भी कबूल करे। मैं तो कहने चाहूंगी, आप लोग शांति से रहिए, किसी का बात मत सुनिए। कोई कोई गद्दार पार्टी, हमको तो गद्दार का साथ में भी लड़ता है, लड़ने पड़ता है, हमको तो रुपया का साथ में भी लड़ने पड़ता है, हमको तो एजेंसी का साथ में भी लड़ने पड़ते हैं। हम लड़ने के लिए तैयार है कि हमारे को हिम्मत है लड़ने के लिए, लेकिन हम माथा झुकाने के लिए तैयार नहीं है। कोई कोई आदमी बीजेपी का पास रुपया लेके, बीजेपी का पास रुपया लेके और ये कहते हैं कि मुस्लिम को वोट तोड़ देंगे। हम बोला, तुम्हारा इतना हिम्मत नहीं है कि तुम बीजेपी को लिए तुम मुस्लिम का वोट तोड़ देंगे। हम आज आइए आज वादा करें। ये मई महीना में, अप्रैल महीना है, एक साल में हमारा इलेक्शन है, देखिए कौन आएगा, कौन पूरा देश भर फैसला कीजिए। और जितना भी आपके आदमी बाहर में काम करते हैं, और 26 का चुनाव में सबको आना चाहिए, सबको भोट देना चाहिए, सबको अपना काम करना चाहिए। अगर लोकतंत्र चला जाए तो सब चला जाए। आज कॉन्स्टिट्यूशन बदल हो रहा है, आज इतिहास बदल हो रहा है। बोलता है मीडिया भाई पेड़ उठा दो, आज बोलता है इतिहास बदल दो, देश का संविधान बदल दो, जो भी मर्जी करते हैं। फिर एनआरसी लेके आया, मैं बोला मैं तो नहीं करने देगा, और इसीलिए वादा रखो, भरोसा रखो, ईमान से का ईमान से हिम्मत से काम लो और एक वादा करो। हम लड़ेंगे, हम नहीं डरेंगे, हम लड़ेंगे, हम हिम्मत से काम करेंगे, लेकिन हम नहीं डरेंगे।